हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा टेनिस बॉल से आप ऑफ साइड में सिक्स कैसे लगा सकते हो और कैसे खेल सकते हैं ऑफ साइड में। क्योंकि गाइस, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा टेनिस बॉल से ज़्यादातर प्लेयर लेग साइड में खेलते हैं, लेग साइड में हिटे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑफ साइड में सिक्स लगा सकते हो। और गाइस, बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको ऑफ साइड में खेलना है। ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऑफ साइड में भी खेलना बहुत जरूरी है। आपको चारों तरफ खेलना पड़ेगा अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है। और क्या कारण होते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आपको कारण क्या होते हैं जो ऑफ साइड में बैटिंग नहीं करते ज़्यादा टेनिस बॉल प्लेयर्स, और कैसे कर सकते हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या कारण होते हैं जो ज़्यादातर प्लेयर ऑफ साइड में सिक्स नहीं लगाते ना बैटिंग करते टेनिस बॉल प्लेयर्स, और कैसे उनको लगा सकते हैं वो बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण गाइस क्या होता है, स्टांस। जो टेनिस बॉल प्लेयर्स का, जैसे मैंने आपको दिखा दूँ ये स्टंप लगा हुआ है, स्टांस गाइस इतना ओपन होता है, इतना ऐसे ओपन होता है, तो कभी भी गाइस आप ये वाली बॉल नहीं खेल सकते हो। अगर आपको ऑफ साइड में बैटिंग करना है तो हमेशा आपको कोशिश करनी पड़ेगी स्टांस गाइस थोड़ा आपको क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अब मैं ये नहीं बोल रहा पूरा सीधा खड़े हो जाओ, अगर आपका इतना स्टांस है तो थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी रेंज थोड़ा बढ़ जाएगी। आपका पैर गाइस ये इधर है, तो आपकी अगर आप इधर स्टांस ले रहे हो तो आपकी रेंज थोड़ी बढ़ सकती है। अगर आपके पास ऑफ साइड की बॉल आ रही है तो आसानी से आप खेल सकते हो। सबसे पहले आपको स्टांस सही करना पड़ेगा, और आपकी गाइस चेस्ट ज़्यादा अगर ओपन रह रही है तो उसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। स्टांस में ये ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा ओपन है थोड़ा क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये हाथ अभी आपका यहाँ पे, अगर आप ऐसे देख रहे हो ये हाथ अभी आपका यहाँ पे स्टांस ले रहे हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा अपना स्टांस क्लोज करोगे ये, तो आप ये क्लोज है गाइस, देख सकते हो आप आसानी से बॉल तक आ सकते हो। जब आपका हेड और आपकी बॉडी बॉल तक जाएगी उसके बाद ही ऑफ साइड की बॉल खेलोगे और सिक्स भी उसी के बाद लगेंगे। तो क्या करना है आपको, अपनी स्टांस थोड़ा सा क्लोज करना है और अपनी बॉडी थोड़ी सी क्लोज करनी, ये नहीं आप पूरा ऐसा कर लो, थोड़ा सा। अगर आप ऐसे खड़े हो तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, आपकी रेंज थोड़ा बढ़ जाएगी। सबसे पहला जो बड़ा कारण है यही है जो आप ऑफ साइड में सिक्स नहीं लगा सकते हो, ना ज़्यादा खेल सकते हो। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्टांस में अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। और सबसे पहले बता दूँ आपको, छक्के मारने से पहले ऑफ साइड में, उससे पहले ध्यान क्या देना है, आपको ज़्यादा ऑफ साइड में खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही सिक्स लगाओगे। अगर आप खेली ऑफ साइड में नहीं रहे हो, सिंगल नहीं निकाल रहे हो, आप सोच रहे हो सीधा जाकर सिक्स लगाओगे, तो इतना आसान नहीं है। आपको सबसे पहले खेलना सीखना है। अगर आपको बॉल मिल रही है ऑफ साइड में तो हमेशा आपको आग बंद करके उसको लेग साइड में नहीं घुमाना है, ऐसे। सबसे बड़ी कमी यही होती है टेनिस बॉल से, जो भी मिलती है आपको यहाँ पे बॉल मिलेगी, आप ऐसे स्टांस में खड़े हो, अगर आपको यहाँ पे मिलेगी कोशिश क्या करते हैं, वो ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, तो आपको गाइस आदत पड़ जाती है। कोई भी राइट बैट्समैन होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो ऐसे ही घुमा देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग में ट्राई करना है। स्टार्टिंग में आपके आपसे नहीं होगा, आप कोशिश करोगे तो नहीं होगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा, पर आपको कोशिश करनी है, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर जाओगे। आपको अगर बॉल मिल रही है गाइस, इस एरिया में बॉल मिल रही है, तो कोशिश आपको यही करनी है। अगर आपको कट की बॉल मिल रही है तो कट इधर ही मारना है, अगर आपकी इस वाले एरिया में, आपको उसको घूमना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आपको लेग साइड में मिल रही है तो आप खेल सकते हो, अगर बॉल आपको ऑफ साइड में मिल रही है तो हमेशा आपको उसी साइड खेलना है। अगर आपको इधर बॉल मिल रही है तो कोशिश करो आप कवर्स के ऊपर से मारो। स्टार्टिंग में आप आउट भी होगे, पर धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, अगर आपको खेलनी है जिधर की बॉल है उधर ही खेलना है। और गाइज, हमेशा आपको अपना हेड स्टिल रखना है। अगर आपका हेड पहले ही इधर गिर रहा है तो कभी भी आप नहीं लगा सकते हो, तो हेड हमेशा आपको स्टिल रखना है। अगर बॉल आपके पास आ रही है तो हेड स्टिल रखना है। हेड स्टिल रखोगे तो अच्छा आप लगा सकते हो। देखो गाइज, हेड स्टिल है तो कितना अच्छा बॉल पे आ रहा हूँ, और हमेशा बॉल पे आना है। जहाँ भी आपको बॉल मिल रही है, आपको लग रहा है बॉल आना है, तो दूसरों दूर से नहीं घुमाना है, बॉल पे आना है आपको, बॉल की साइड जाना है। आप ये नहीं कि आप उसको दूर से खेल रहे हैं आप ऐसे उड़ा दोगे। आपको अगर आपके एरिया में बॉल मिल रही है तो कोशिश करो उसके बॉल तक जाना है, उसके बाद आप अच्छा रीच मारोगे। और हमेशा हाथ भी बैट स्विंग करना है, हाथ ये स्विंग करने रिस्क का बहुत अच्छा यूज़ होगा। अगर आपको ऑफ साइड में ज़्यादा बैटिंग करनी है तो रिस्क का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप लेग साइड में खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूं, तो गाइस ऐसे घुमा सकते हैं वो खुद चल जाएगा, पर अगर आपको ऑफ साइड में खेलना है तो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो जब ऐसे मार रहा हूं तो गाइस रिस्क का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, नीचे वाले हाथ ऊपर वाले हाथ का दोनों का यूज़ हो रहा है जब ऐसे मार रहा हूँ, या मैं कट मार रहा हूँ उस जब भी रिस्ट यूज़ हो रही है, देख सकते हो कैसे रिस्ट यूज़ हो रही है। तो ऑफ साइड में बैटिंग करनी है, रिस्ट का यूज़ करना है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, खेलो, जितना ज़्यादा आप खेलोगे प्रॉब्लम होगी आपको, आप एकदम नहीं सीख सकते, पर आप खेलो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बाउंड्री मिल रही है, सिंगल मिल रही है, खेलो, उसके बाद आप सिक्स भी लगाना स्टार्ट कर दोगे। सिक्स लगाने के लिए क्या है, सबसे आसान तरीका बॉल पे आना है, और उड़ाने से डरो मत गाइज। आप अगर प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो तो उड़ाने से डरो मत, अगर ऑफ साइड में मिल रही है आप उसको लेग में खेलने बिल्कुल ही मत जाओ। गाइज, ये सभी बात जो मैंने आपको बताई है धीरे धीरे आपकी बैटिंग में इंप्लीमेंट होगी। अगर आप एक दिन में इंप्लीमेंट करोगे तो कभी भी ये सब आप नहीं कर सकते हो। आप धीरे धीरे इसको दोबारा पीछे से जाके वीडियो देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये सभी बातें ज़रूरी है। आप थोड़ा टाइम लगेगा पर सीखोगे ज़रूर। तो गाइज़,
अपनी बैटिंग में इंप्लीमेंट करो, जैसे मैंने आपको सब बताया, धीरे धीरे आप अच्छा ऑफ साइड में भी खेलोगे और लेग साइड में भी खेलोगे। सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अगर आपको चारों तरफ रन मारने हैं, क्योंकि बैट्समैन वही अच्छा खेलाता है जो चारों तरफ रन मारता है। और गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी एक भाई की क्वेरी थी, उसके लिए वीडियो आया, आपके लिए भी ऐसे ही वीडियो आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। क्रिकेट विद विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।